बोलने वाली हूँ। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी सी। इस सीख को सुनने के लिए और इस मनगढ़ंत कहानी को सुनने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो आओ अभी इस वीडियो को यानी इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक युवा था, प्रतिदिन सुबह 5:30 सुबह उठता था। तो प्रतिदिन उठता था, वैसे एक दिन उठा तो जब उठता है तो उसके आगे यमराज खड़े हैं। ये इसीलिए मनगढ़ंत बोल रही हूँ क्योंकि यमराज आएंगे सीधा ले जाएंगे, आप उनसे बात नहीं कर पाओगे, उनको नहीं देख पाओगे। तो क्या होता है ना, यमराज खड़े तो वो बहुत डर जाता है, अरे सुबह सुबह कहाँ यमराज आ गया, थोड़ा कुछ बोलने भी नहीं दिया कि कहाँ पे क्या रखा है, सुबह सुबह आके खड़ा हो गया। तो तभी यमराज बोलते हैं चलो चलो आज लिस्ट में तुम्हारा नाम पहला है, चलो चलो। तो तभी यमराज को युवा बोलता है अरे भगवान, मैंने तो आज कुछ किया ही नहीं, नौकरी अभी अभी हुई है, शादी हुई है, छोटा बच्चा अभी हुआ है, सबकी देखभाल कौन करेगा मैं अगर मर जाऊंगा, तो कहाँ पे क्या रखा है, क्या होगा, किससे, कुछ बताया भी नहीं है। तो उसके बाद यमराज बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट में आज जो निकला है लिस्ट उसमें तो तुम्हारा नाम पहले है। तो क्या होता है ना, वो युवा बहुत बुद्धिजीवी था, कितना बुद्धिजीवी था ना, बहुत। और वो बोलता है कि ठीक है महाराज, मैं अभी जब सुबह उठता हूँ तो एक कप चाय तो लेता हूँ, तो अभी तुम आ गए हो तो आओ चलो हम अभी मिलकर चाय पीते हैं। तो चाय लेकर आता है 2 कप। तो जो यमराज की चाय लाया था, कॉफी लाया था, उसमें वो नींद की जो छोटी छोटी गुल्ली होते हैं उसको डाल दिया, नींद की औषधि डाल दिया था। तो तभी जब चाय यमराज पीते हैं तो नींद की औषधि डाला था तो यमराज सो जाते हैं। तभी जब यमराज सो जाते हैं तो वो युवा जो था वो जल्दी से लिस्ट से अपना नाम ऊपर से निकाल देता है, ऊपर से काट के सारे से नीचे लिख देता है और सोचता है कि अरे अभी इनको तो सबको लेकर जाने में ऊपर एक दिन तो लगेगा ही, उस एक दिन में मैं क्या कहाँ क्या करना होगा सब बोल दूंगा, सबको बोलने का समय भी हो जाएगा, रिश्तेदारों से कुछ मिलना होगा, कुछ बातें करनी होगी तो कर लूंगा। तो उसके बाद यमराज उठते हैं कुछ टाइम के बाद और बोलते हैं तुमने मेरे चर्चा किया से, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो कोई मुझे ऐसा चर्चा नहीं करता है, गाली देता है बहुत, उसके बाद मैं लेकर जाता हूँ, तुमने ऐसी चर्चा की इसीलिए इसी के खातिर मैं आज लिस्ट को ऊपर से आरंभ ना करके नीचे से आरंभ करूंगा। तो ये सुन के युवक का होश उड़ जाता है, बेहोश हो जाता है, बेहोश होके मरता है। उसके बाद यमराज लेकर जाते हैं भगवान के पास और भगवान के पास जाकर भगवान बोलते हैं ये है जो भगवान बोलेंगे यही है सीख। तो भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन वही होता है जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहूँ और उसके बाद होगा वही जो तू चाहे। इस खुशी में राधे राधे बोलना पड़ेगा।